अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज ऑफिस आते हुए ड्राइव करते हुए मेरे माइंड में एक ख्याल आया एंड आई थॉट कि आपके साथ ऑफिस जाके इस टॉपिक पे बात करते हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए आपने भी रियलाइज किया होगा कि आसपास जितने लोग भी ड्राइव कर रहे होते हैं उनमें से कोई भी शख्स ये पसंद नहीं करता कि उनके सामने वाली गाड़ी रुक जाए और बिकॉज ऑफ दैट उनको भी ब्रेक लगानी पड़े, रुकना पड़े, वेट करना पड़े, लेट हो जाए वो जहां पहुंचना चाहते हैं। इस बात की बुनियाद पे कोफ्त होती है, गुस्सा आता है लोगों को, वो अपनी इमोशनल कंट्रोल खो बैठते हैं। किसी को भी पसंद नहीं है ये, सिग्नल पे रुकना पसंद नहीं है। जो जिस फ्लो में जा रहा है वो उसी फ्लो में जाना चाहता है और तेज होना चाहता है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सामने कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर हम 100 की स्पीड पे जा रहे हैं तो समहाउ किसी तरह हम 120 की स्पीड पे जा सके, 30 की स्पीड पे जा सके, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तेजी से जाना चाहते हैं। ये भी सोचने का वक्त नहीं होता हमारे पास रुक के कि हम एक दफा ये तय कर लें कि जहां जाना है, जहां हम जा रहे हैं क्या यहीं पे जाना है, डायरेक्शन ठीक है, वहां पहुंचने के लिए जो जो चीजें चाहिए हमारे पास हैं, क्या उससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये ड्राइव करते हुए ही नहीं, जिंदगी गुजारते हुए भी, रिश्ते निभाते हुए भी, हर पहलू में, दुनिया के हर पहलू में इस बात का इत्तलाक होता है कि हम कंटिन्यूटी को पसंद करते हैं। हमारे पास इतना टाइम और इतनी तवज्जो नहीं होती कि हम रुक के थोड़ी देर के लिए सेल्फ एनालिसिस कर लें, कैथारसिस कर लें, ये चेक कर लें कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ब्रेक लगाना सीखें जिंदगी में, ड्राइव करते हुए नहीं, जिंदगी में भी, कारोबार में भी, जॉब में भी, प्रोफेशन में भी, करियर में भी, और रियलाइज करें कि कहाँ पास्ट में गलत, कहाँ कहाँ ओवर स्पीडिंग हुई, कहाँ रॉन्ग टर्न लिए, कहाँ कहाँ पे सिग्नल क्रॉस किए, कहाँ रूल्स को वायोलेट किया मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, और कहाँ और आगे अब क्या नहीं करना और क्या करना है। क्योंकि जैसे आप ब्रेक लगाएंगे, रुकेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसके बाद वाला सफर आपका लाइफ का, करियर का, जॉब का, रिलेशनशिप्स का अच्छा और आसान हो जाएगा। इंजॉय करना शुरू कर देंगे, बाहर के एनवायरनमेंट की बजाय अंदर के एनवायरनमेंट पे फोकस करने लगेंगे। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टिप, लेकिन दिस इज going to be a life-changing tip अगर आप और हम इसको seriously लें। Thank you so much. खुदा हाफिज़।